भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और मैंने कहा था कि हमारे लिए ये संकल्प पत्र ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2,80,00,000 यहाँ के सम्मानित सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। आपने मुझसे कहा था कि गैस के सिलेंडर के दाम कम कर दो, अगले दिन आपके दिशा निर्देश में यह फैसला लिया गया कि हरियाणा के महिलाओं को बहनों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि हम महिलाओं को 8 अक्टूबर के बाद आपके आशीर्वाद से 2100 रुपया पर मंथ देने का निर्णय भी हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी दौरान हमने पिछले दिनों में हरियाणा प्रदेश के जो HKRN के कर्मचारी लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वही कर्मचारी जिन्हें कांग्रेस ने ठेकेदारी के नाम पर बंधुआ मजदूर बना रखा था, ना तनख्वाह पूरी मिलती थी ना समय पर मिलती थी, मात्र 2,000 और 3,000 रुपए उन्हें मिलते थे। आज हमारे उन सब कर्मचारियों को 15,000 से 25,000 रुपए तक और उस गुलामी की ठेकेदारी की गुलामी से भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक और संकल्प हमने अपने सेना के अग्निवीरों के लिए भी लिया है, उन्हें पक्की सरकारी नौकरी देने का हरियाणा ने निर्णय किया है। एक भी अग्निवीर नफरी नहीं रहेगा, हरियाणा सरकार में उसको सुरक्षित नौकरी देने का हमने संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस विश्वास से हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने का वादा कर रहा हूं, उस विश्वास की ताकत आपके रूप में आज हमारे बीच में बैठे हैं। बीजेपी जो कहती है वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है, वो बात कटती नहीं है। और इसी गुवाही है माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि इस देश में राम मंदिर और धारा 370 जैसी आपके दृढ़ संकल्प से वो बना है, धारा 370 हटी है। जिस काम को पूरी दुनिया असंभव मान रही थी और जिस काम को कांग्रेस हमारा एजेंडा बता रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आस्था और लक्ष्य मात्र 10 सालों में उसे जमीन पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी संकल्प पत्र, चाहे वो 2014 का है चाहे वो 2019 का है, उठा करके अगर देखते हैं एक भी वायदा ऐसा नहीं जो पूरा ना किया हो। आपके दिशा निर्देश में हमारी यह डबल इंजन की सरकार ने एक एक वायदे को पूरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस यहाँ वादे करती घूम रही है, आपने ठग देखे हैं, वो पहले एक जगह जाते हैं लोगों को ठगते हैं, फिर वहां लोगों को समझ आ जाता है
तो दूसरी जगह चले जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस ऐसे ही जगह जगह घूम रही है, लेकिन लोगों को, हमारे हरियाणा के लोगों को अब समझ आ गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक कांग्रेस को चुन करके पछता रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हरियाणा में पधारे हैं, मैं पुनः हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपके आने से यह तीसरी बार जो आज आप यहाँ पधारे हैं, हरियाणा ने यह संकल्प ले लिया है कि अब की बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार बन रही है।